इससे आपको क्या फायदा है? आखिरकार इतना कुछ खोज रहे हैं, कर रहे हैं, इसके बारे में बता रहे हैं, इससे आपको क्या फायदा है? फायदा क्या हो सकता है? एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपने फायदा के लिए या तो फेमस होने के लिए ये सब कर रहे हैं? देखो, फायदा किसी का इसमें कुछ नहीं है। अच्छा, आपका मानना है कि ये बुद्ध का दिया हुआ पिलर है ना, इससे बुद्ध का कोई लिंक है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन कि पूरे वर्ल्ड में एकमात्र ये जगह है जहाँ पे रामपुरवा के दो पिलर हैं, दो स्तंभ हैं। अच्छा, और वर्ल्ड में यहाँ पे आया और आप मेरे सामने ही हाथ में लिए हुए सिगरेट पी रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? कुछ नहीं हो सकता है। आप बस यही चाहते हैं कि भाई हाँ ठीक है, हम तुमसे ऊपर हैं, हम तुमसे आगे हैं, क्या बताना चाहते हैं? आइए आपको आज एक चीज़ दिखाते हैं, थोड़ा कैमरा को फोकस करते हैं। इनको देखते हैं, हरदम फेसबुक पे कुछ ना कुछ डालते रहते हैं, आज मिल गए हैं। चलिए, इनसे उत्सुकता है कुछ सवाल जानने का, जानते हैं कि आखिरकार इन काहे ला यहाँ पे रहते हैं। आइए हम उनसे मिलते हैं। चलिए आइए, तो इनसे हम मिल गए हैं। आप यहाँ पे करते क्या हैं? देखते हैं कि आपका पोस्ट हरदम डाला हुआ रहता है, फेसबुक पे रहते हैं, आप यहाँ पे आके अभी क्या कर रहे हैं? हमेशा वैसे जनरली यहाँ पे हम आते रहते हैं, क्योंकि रामपुरवा से एक तरह का लगाव है, और बुद्ध का चूँकि ये धरती रहा है, बुद्ध यहाँ पे बहुत पहले आए हुए हैं, तो बुद्ध से एक तरह से लगाव है, इस कारण से यहाँ पे अक्सर आते रहते हैं। और भी बहुत सारी जुड़ी यहाँ से रहस्य है, तो कुछ काछ जानने समझने के लिए। अच्छा, आपका मानना है कि ये बुद्ध का दिया हुआ पिलर है ना, इससे बुद्ध का कोई लिंक है? हाँ, ऐसा आपका मानना है? बुद्ध का दिया हुआ पिलर नहीं है, लेकिन हाँ, बुद्ध बौद्ध धर्म से ये संबंधित है, और कहीं ना कहीं बुद्ध से भी ये एक तरह से संबंधित है। ऐसा जो ये देख रहे हैं, ये रखा हुआ है, ऐसा तो वो पटना में एक कुम्हरार पार्क है, वहाँ पर भी रखा हुआ है, और ये लौरिया में खड़ा किया गया है, यहाँ पर भी रखा गया है, वहाँ लौरिया में आपको लौर बाबा का मेला लगा हुआ है, तो आप कहते हैं कि यहाँ पे बुद्ध से इसका कोई कनेक्शन है, तो कैसे बुद्ध से कनेक्शन है? देखो, लौरिया में जो जिसको लौर बाबा कहा जाता है, बेसिकली लौर मतलब होता है लाठी। अच्छा अच्छा और जैसा कि आप इसका शेप आप देख सकते हैं, इसका शेप एक लाठी के शेप का है, दोनों जो पिलर है, तो चूंकि इसका शेप एक लाठी की तरह है, इस कारण से बहुत सारे लोग इसको कंफ्यूजन में स्थानीय भाषा में इसको लौर कहते हैं। और यहाँ पे तो जो ये रामपुरवा है, यहाँ पे तो ये लोग बोलते हैं कि भीम का ये गुली डंडा। नहीं, भीम का गुली डंडा नहीं है, ये अशोक पिलर है, लेकिन बहुत सारी यही चीज़ है, शुरू शुरू में इसको लोग लौर बाबा कहने लगे। कोई भी खोजबीन होता है, उसमें लोग अक्सर क्या करते हैं कि बाबा या फिर भगवान। जैसे आप चले जाइए केसरिया में, तो केसरिया में एक बौद्ध स्तूप है, तो केसरिया बौद्ध स्तूप को जब वहाँ पे मिला बौद्ध स्तूप, तो उसको लोग देवालय कहने लगे, यानी मंदिर। ठीक है, अच्छा अच्छा तो अक्सर लोग होता है कि कोई भी चीज़ मिलता है, उसको लोग हिंदू धर्म से लोग जोड़ते हैं, तो वो उचित नहीं है। मतलब कि आपका मानना है कि ये हिंदू धर्म में इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये हिंदू धर्म से इसका कोई मतलब लेना देना नहीं? बेसिकली बौद्ध धर्म तो खुद हिंदू धर्म से ही मतलब बाद में निकला, बुद्ध खुद एक हिंदू थे। नहीं नहीं, मतलब मेरा मानना है कि जो ये जो लोग यहाँ के स्थानीय लोग मानते हैं कि ये लौर बाबा है या तो गुली डंडा है, ये नहीं, 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 ऐसा कुछ नहीं, ये हिंदू धर्म से संबंधित नहीं है। ठीक है, बुद्ध से ये संबंधित है, और अशोक जो थे, जो कि एक बौद्धिस्ट थे, बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, और उन्होंने इसको स्थापित यहाँ पे कराया था, और ये उसी से संबंधित है। ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं, ये मूर्ति यहाँ के गार्ड का मानना है कि ये वियतनाम से आया है। आप ध्यान से थोड़ा सा इनको देख लीजिए, और ये काफी जर्जर अवस्था में पड़ा हुआ है, कोई यहाँ पे देखने वाला नहीं है। यदि यदि इतना ही बड़ा यहाँ पे है, उनका मानना ये भी है कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम भगवान बुद्ध यहीं पे वो क्या मुंडन करवाए थे, और यहीं से स्टार्ट किए थे अपना योग साधना, ये यहाँ के स्थानीय गार्ड का मानना है। और ये मूर्ति वियतनाम से मंगवाया गया है, और ये इतना जर्जर अवस्था में छोड़ दिया गया है, तो हम पूछना चाहेंगे कि आखिर यहाँ पे सरकार का इसमें क्या रोल है? सरकार की क्या रोल यहाँ पे होना चाहिए कि इसका डेवलपमेंट कारण चाहिए, कहीं ना कहीं ऐतिहासिक महत्व है, लेकिन सरकार अभी तक कुछ किया नहीं है। ठीक है, तो डेवलपमेंट इसका जरूरी है। तुम देख ही रहे हो वहाँ पे एक छोटा सा लोहा हुआ से कैसे बाड़ा बना के
उसको बस प्रोटेक्शन का काम किया गया है। अच्छा अच्छा, कोई भारी काम तो किया गया नहीं, वो भी इधर 4 साल 5 साल पहले, जबकि ये सब काम ऐतिहासिक इम्पोर्टेंस, जो ऐतिहासिक महत्व के जो पुरातत्विक स्थल होते हैं, ऐतिहासिक स्थल होते हैं, उनको बचाने का काम पहले से किया जाना चाहिए ना, 100 साल पहले जब वो मिला था उसी समय से। तो खैर ठीक है, उस समय अंग्रेज का राज था, नहीं किया गया, लेकिन जब आज़ादी हमको मिली उस समय भी गवर्नमेंट का यहाँ पे रुख होना चाहिए। ये अब जाके 2015-16-17 के आसपास में इसको एक नया आयाम देने का प्रयास किया गया है, और वो भी बहुत कुछ खास नहीं, ठीक है, क्योंकि देखो डेवलपमेंट होगा, बाहर के लोग आएंगे घूमने, क्योंकि बुद्ध का जानता ही है हम लोग कि बहुत अच्छा डेवलपमेंट होगा, तो यहाँ के लोगों को उससे क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा हो सकता है, बहुत सारा चीज़ है। पहला फ़ायदा ये होगा कि भाई हमारा रामपुरवा है, ठीक है, और यहाँ पे बुद्ध से जुड़ी कुछ यादें हैं, कुछ वो उसके लिए पवित्र इसको माना जाता है, तो डेवलपमेंट होगा। ऑब्वियस बात है, लोग बाहर के लोग अवेयर होंगे। अच्छा अच्छा, कि भाई रामपुरवा भी कोई जगह है जहाँ पे हमको जाना चाहिए, घूमना चाहिए, अभी बहुत लोग जानते हैं। अच्छा लोग, लेकिन पे लेकिन मैं बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा, लेकिन अब लोग को क्या फ़ायदा होगा कि बाहर के जब लोग आएंगे, ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे, तो हम लोग देखते हैं कि जहाँ भी ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, लोग को फ़ायदा होता है, रोज़गार, ठीक है, आदमी जो भी सामान होता है उसको आदमी खरीद बेच सकता है। अच्छा ये सब चीज़ है, टूरिस्ट वगैरह लोग आएंगे तो इंग्लिश ट्रांसलेटर बहुत लोग काम कर लेता है, तो जिसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है वो भी लोग पैसा वैसा कमाने का जरिया हो सकता है ना, बहुत सारा चीज़ है। यहाँ पे आने के लिए बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें पहला जो रीज़न है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीज़न, कि पूरे वर्ल्ड में एकमात्र ये जगह है जहाँ पे रामपुरवा के 2 पिलर हैं, 2 स्तंभ हैं। अच्छा अच्छा, और वर्ल्ड में कहीं नहीं, तो एक तरह से ये खुद यूनिक बनता है, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है, पूरे भारत में जहाँ भी अशोक का राज्य था। अच्छा, और जहाँ जहाँ उसने, चाइना में भी नहीं है? नहीं नहीं, कहीं नहीं है, चाइना में तो खैर अशोक का राज्य नहीं था, नहीं लेकिन वहाँ पे ये बुद्ध को मानने वाले बहुत लोग हैं। हाँ, लेकिन नहीं है वहाँ पे इस तरह से, और नहीं होने का रीजन है, नहीं होने का रीजन क्या, क्योंकि अशोक का राज्य नहीं था, और वो जो भी अशोक स्तंभ मतलब हलाया जाता था, यहाँ पे स्थापित किया जाता, वो अशोक स्तंभ अशोक के द्वारा ही किया जाता, चाइना में बेसिकली उसका कोई राज्य था नहीं। अच्छा, तो वहाँ पे अच्छा ये करने या और एक बात कि आखिर यहाँ पे 2 स्तंभ लगाने का उनका क्या उद्देश्य होगा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में या तो पूरे भारत में कहीं 2 नहीं है, तो यहीं पे 2 कैसे? इसका एक तरह से खंडन ये किया सकता है कि बहुत सारे जगहों पे मैंने खुद पढ़ा है कि ये जरूरी नहीं है कि केवल एक यहीं पे 2 कहीं नहीं मिला है, हर जगह एक एक मिला है, यहाँ पे ही 2 मिला है, इसका मतलब ये नहीं है कि केवल यहीं पे 2 है और कहीं नहीं, और 2 कहीं नहीं है, ठीक है। अच्छा, बहुत ऐसे सारे जगह हैं जहाँ पे वेन सांग के किताब से, फायान के किताब से, सिंह के किताब से ये पता चलता है, उनका भी किताब अगर पढ़ेंगे तो, कि बहुत सारे जगह पे 4, 5, 6 इस तरह में थे। लुम्बिनी में भी कहा जाता है कि वहाँ पे भी एक साथ 2 थे 3 थे ऐसे करके, लेकिन ये कहा जाता है बेसिकली कि अशोक, अब देखो जैसे देखो जो दूसरा पिलर है जिसपे सांड की प्रतिमा लगी हुई है, तो वहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं है, पहला जो पिलर है, पहला स्तंभ, उसमें बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन दूसरा पिलर जो तुम देखोगे तो वहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, कम्प्लीटली ब्लैंक है। अच्छा, कुछ नहीं, सेकंड पिलर में कुछ लिखा ही नहीं है। नहीं। तो अगर कुछ लिखा होता तो पता चलता, ये तो हम ये भी कन्फर्म नहीं कर सकते कि वेदर वो अशोक का ही है या नहीं है, पहला तो पता चलता है क्योंकि उसमें आराम से लिखा है एम देवन अपियदस्ती, तो देवनाम प्रियदर्शी जो कहा जाता था वो अशोक को कहा जाता, तो इसे लगता है कि ठीक है वो अशोक का है, लेकिन सेकेंड वाला किसका है किसका नहीं ये हम कम्प्लीटली आज भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ आर्कियोलॉजिस्ट हैं जो कहते हैं कि वो अशोक से संबंधित है। कि इससे आपको क्या फ़ायदा है, आखिरकार इतना कुछ खोज रहे हैं, कर रहे हैं, इसके बारे में बता रहे हैं, इससे आपको क्या फ़ायदा है? फायदा क्या हो सकता है? एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपने फायदा के लिए या तो फेमस होने के लिए ये सब कर रहे हैं? देखो फायदा किसी का इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, इसके बारे में लोग को ज़्यादातर जानकारी पहुंचाना, ठीक है, ये सबसे बड़ा मैटर करता है, लोग इसके बारे में जाने। अब देखो तरह तरह के लोग सोशल मीडिया पे तरह तरह के बात निकलते हैं कि भाई देखो ये ऐसा ऐसा डाल रहा है तो इसको फ़ायदा होगा, क्या फ़ायदा है? कुछ नहीं है, लोग मेरा काम है लोगों को अवेयर करना, अब इसको लोग किस तरह से उसका मीनिंग निकालते हैं ये लोग के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, फेमस होने के लिए कर रहे हैं, फेमस होने का कोई बेसिकली रीजन नहीं है, बस इतना है कि जब हम यहाँ पे आए थे हमको इसके बारे में कुछ नहीं पता था, एक बार 1 साल पहले, लेकिन उस समय मुझे मन किया कि मैं इसके बारे में जानूँ, बहुत कुछ पता चला, तो सोचे कि लोगों को भी इसके बारे में अवेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको मिसकंसेप्शन उनके अंदर है, मिसभ्रम है कि भाई ये एक लोर बाबा है, भीम जी का लाठी है, तो इसके बारे में मैं सोचा कि भाई इसके बारे में लोगों को बताने का गंभीर ज़रूरत है, ठीक है,
तो इस कारण से लोगों को मैंने बताया। और उस समय मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरा कोई फायदा होगा या घाटा होगा, तो अभी भी कैसे सोच सकता हूँ। हालांकि कुछ लोग ऐसे लोग भी हैं जो आपको सपोर्ट करते हों या तो, हाँ बहुत सारे लोग हैं, वो तो अपोज करने वाले भी इसलिए अपोज करते हैं क्योंकि उसको उनको थोड़ा मतलब उतना अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि मैं उनको ये सब बात समझाऊं तो वो लोग बाद में सपोर्ट करने लग जाए। सब अपोज करने का कोई बेसिकली कोई बहुत गंभीर रीज़न नहीं है, सपोर्ट तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन वही 10-15 लोग अगर 100 हैं तो 10-15 लोग उसमें अपोज भी करेंगे। अच्छा, इसके माध्यम से यदि कोई कुछ आपसे सवाल पूछना चाहे तो पूछ सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, जब भी चाहे जो भी तरह के उनको कोई डाउट हो, शक हो, जिस तरह से भी इसके बारे में जानना हो या फिर जो भी चीज़ जानना हो, ठीक है, उसे मंगाने के लिए हमेशा तत्पर हूँ। लेकिन हाँ, एक इस वीडियो के माध्यम से मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ पे रामपुरवा में अभी आधा घंटा एक घंटा पहले जब मैं आया था तो कुछ लड़कों को, गौनाहा के ही लड़कों को, ठीक है, जहाँ पे जहाँ का मैं मूल निवासी हूँ, जहाँ पे रहने वाला हूँ, वहाँ के ही कुछ लोग यहाँ पे आए थे और सिगरेट वगैरह ये सब फूंक रहे थे। तो देखिए, ये बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत पवित्र स्थल है, तो लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, उनसे विनम्र निवेदन करूँगा कि कृपा कर यहाँ पे सिगरेट वगैरह या खैनी गुटखा ये सब खाकर नहीं फेंकें, या तो सिगरेट वगैरह नहीं पी सकता है यहाँ पे आके, नहीं पिए तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि यहाँ पे उतना गार्ड्स तो है नहीं कि कोई मना कर सके। एक गार्ड है, वो भी उतने कमज़ोर दुर्बल से आदमी है, तो वो भी चाहे तो नहीं मना कर सकते हैं क्योंकि बूढ़े हो गए हैं बहुत, उनके पास तो फोर्स है नहीं। लेकिन ये हमारा कर्तव्य है कि यहाँ के इंटीग्रिटी को हम बचा के रखें, ये ज़रूरी है। अच्छा, जो लोग सिगरेट पी रहे थे उनके लिए आप क्या कहना चाहें? सिगरेट पीने वालों से तो पहला सजेशन ये है कि कृपया यहाँ पे सिगरेट नहीं पिए। आप लोग गौनाहा के हैं, ये हम आपको बहुत अच्छे तरीके से जानते भी हैं, और कृपया कम से कम देख रहे हैं उसका भी कम से कम ख्याल कीजिए कि कोई आया है यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ के लिए कुछ काम कर रहा है और आप उसके जो रामपुरवा का जो इज्जत है उसके साथ अब खिलवाड़ कर रहे हैं। दिखाकर क्या कहना चाहते हैं? दिखाने का मतलब क्या हुआ? जैसे मैं यहाँ पे आया और आप मेरे सामने ही हाथ में लिए हुए सिगरेट पी रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? कुछ नहीं हो सकता है। आप बस यही चाहते हैं कि भाई हाँ ठीक है, हम तुमसे ऊपर हैं, हम तुमसे आगे हैं, क्या बताना चाहते हैं आप?